सबसे पहले अगर बोलूंगा तो ये हमारे भारत की परंपरा के खिलाफ कानून है। हमारी परंपरा, हम सबसे इस देश में पैदा हुए, हमारी परंपरा जिस तरीके से हमें हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिए, उस संस्कार के मुताबिक कभी भी किसी को धर्म के नाम पर, किसी को जात के नाम पर नहीं पहचाना गया। लेकिन ये जो कानून ये लोग पीछे लाए हैं, ये कानून ये देश को तोड़ने के लिए कानून लेके आए हैं। और एक कांग्रेसी होने के नाते, हम एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही होने के नाते, हम आप लोगों के सामने प्रण लेते हैं कि जो इनकी ये कामयाबी जो है, जो ये चाहते हैं कि ये कानून लाके इस दोष को तोड़ने की जो इनकी साजिश है, इस देश को हम नहीं टूटने देंगे। हम इस कानून का कड़े शब्दों में, और चाहे हमें सड़कों पर आकर विरोध करना पड़े, हम इस कानून का विरोध करेंगे। साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक प्लेट की अपनी कहानी सुनाऊंगा, और वो कांग्रेस पार्टी के आज बिल्कुल सामने आई। पुराने समय में एक गांव में आग लगी थी, एक छोटा सा बच्चा अपने नन्हे से हाथों से उस आग को बुझाने का काम कर रहा था। और हमारी तरह कुछ बुजुर्ग साथी आए, उन्होंने आके बोला कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें पता नहीं है कि जब तुम्हारे हाथों से ये गांव की आग बुझेगी? तो उसने बोला, मुझे पता है कि मेरे हाथों से ये गांव की आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब इतिहास लिखा जाए तो मेरा नाम जो है आग बुझानों में लिखा जाए, ना कि आग में जलते हुए देखने में। और वही बात आज कांग्रेस पार्टी पे होती है, और हमारे लीडर राहुल गांधी जी पे और सोनिया गांधी जी पे होती है। जब जब बेशक हमारे पास उतने MP नंबर में ना हो, उतने राज्यसभा MP नंबर में ना हो, लेकिन हमने इस देश को जलते हुए देखने का काम नहीं किया। जहाँ जहाँ पर भी देश को उन्होंने जलाने की कोशिश की, वहाँ पे हमने कड़े शब्दों में उनका विरोध किया। अब आसाम जो इस समय जल रहा है, नॉर्थ ईस्ट जो गुस्से से उबल रहा है, आप वहाँ के लोगों की तकलीफ को, वहाँ के लोगों की पीड़ा को, उनकी भावना को यहाँ रखने के लिए आए, उसके लिए आप और आसाम कांग्रेस बहुत बहुत बधाई की। सबको थैंक यू वेरी मच, सबको बधाई दी। हमने कांग्रेस ने लगातार प्रयास किया, कोशिश की कि इस सरकार की आंखें खुलें और वो हकीकत को समझें, उनको लगे कि न केवल वो भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं, आर्टिकल 14 को संविधान का, जो सबके लिए सर्वधर्म संभाव की बात करता है, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात है, उसको नलीफाई कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ हमारे नॉर्थ ईस्ट की, असम की कल्चरल यूनिकनेस को, उनके अपनी आइडेंटिटी के लिए भी जीत हो गई, देश के संविधान की जीत हो गई, और हमारे असम की, आसाम एकॉर्ड की जीत होगी, और आसाम के लोगों की भावना की जीत होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और कल रैली के लिए भी आप सबको आमंत्रित करता हूँ। कल सब लोग आए और जो सरोज के साथ उसमें भाग लें, क्योंकि इस सरकार के खिलाफ वो भी एक बड़ी लड़ाई, और उस लड़ाई को भी हम सबको ताकत देने का काम करना है। और मैं प्रदेश कांग्रेस को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक प्रोग्राम, लंबा प्रोग्राम बनाया है, पदयात्रा है ना, पदयात्रा का प्रोग्राम बनाया है 22 तारीख, और उस कार्यक्रम के जरिए हमको जन जन तक पहुंच करके ये संदेश देना है कि कांग्रेस आपकी तकलीफ के मौके पर आपके साथ खड़ी है। जय हिंद, जय Thank you.
अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।